पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सुपारी लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के टॉप मोस्टेड गैंगस्टर हासिम बाबा को दी थी। जनवरी में मूसेवाला को कत्ल करने पहुंचा गैंगस्टर शाहरुख उसी का गुर्गा था। हालांकि तब प्लानिंग फेल हो गई थी, जिसके बाद लॉरेंस ने कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड को इसका जिम्मा दिया। आपको बता दें कि गोल्डी ने शूटर्स की टीम को इकट्ठा कर 29 मई को मूसेवाला का कत्ल करवा दिया। तो वहीं हासिम बाबा ने गैंगस्टर शाहरुख के साथ जनवरी में 7 शूटर्स की टीम मूसेवाला के गांव भेजी थी। उन्होंने मूसेवाला को रेकी की। उस वक्त मूसेवाला के पास 10 कमांडर की सिक्योरिटी थी, जिनके पास AK-47 थी। यह देख शाहरुख ने वापस जाकर कहा कि मूसेवाला के पास आधुनिक हथियार वाले कमांडो हैं। तो वहीं मूसेवाला के कत्ल के लिए आधुनिक हथियार चाहिए। इससे पहले लॉरेंस और गोल्डी बराड हथियार भिजवाता शाहरुख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल्स ने पकड़ लिया। तो वहीं हासिम बाबा का असली नाम आसिम है। वह दिल्ली के यमुना पार इलाके में गैब लिंक का धंधा करता था। वह संजय दत्त की तरह बड़े बाल रखता है। इसके बाद वह फिर अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम से प्रभावित होकर बड़ा डॉन बनने के सपने देखने लगा। वह दिल्ली के ही नासिर गैंग में शामिल हो गया, जिसके बाद उसने व्यापारियों को धमकाने और रंगदारी वसूलने के साथ फिरौती न देने वालों को गोली मारनी शुरू कर दी। इसी बीच गैंग लीडर नासिर जेल चला गया, तो हासिम बाबा ने गैंग की कमान संभाल ली। धीरे धीरे उसने इस गैंग पर कब्जा कर लिया। तो वहीं पंजाब पुलिस अब लॉरेंस जग्गू भगवान पुरिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।